नमस्कार शुभ सकाळ प्रथम खबर को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस। अमेरिका रे प्रधानमंत्री मोदी को भव्य स्वागत, गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम में अंश ग्रहण करिवे मोदी। आज उपराष्ट्रपति कमला हरिस को सह बैठक, कल राष्ट्रपति बाइडेन को सह द्विपाक्षिक आलोचना। मोदी बाइडेन साक्षात उपरे विश्वर नजर। कोविड वैश्विक शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी संबोधन, कहले एबेबी शेष होना कोरोना, दुनिया अधिकांश जनसंख्या एबेबी नहीं ना टीका, सबु देश परस्पर वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता देवा दरकार कहले मोदी। महंत नरेन्द्र गिरी मृत्यु मामला सीबीआई तदंत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश, यूपी गृह विभाग पक्ष केन्द्र को सीबीआई जांच सुपारिश, हटिले पोस्टमार्टम सुरक्षा रे थिबा समस्त पुलिस कर्मचारी। कोविड रे मृतकों परिवार को मिलिबो क्षतिपूरण, प्राण हराइथिबा व्यक्ति परिवार को मिलिबो 50,000 टंका। सुप्रीम कोर्ट को जणाइले केंद्र सरकार, राज्य सरकार को विपर्जय परिचालना पाठिरु हेबो भरणा। निज घरे बंद रही चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग, 600 दिन मध्य कौन से यात्रा, आंतर्जातिक मीडिया रे जोर धरला चर्चा, प्रश्न कौन होई पारे कारण। छत्तीसगढ़ में वर्ज्यवस्तु गाड़ी में गणेश मूर्ति विसर्जन, सोशल मीडिया रे वीडियो वायरल, देश सारा देखाला प्रबल असंतोष। रायपुर मेयर एजाज धेवर विरोध में कार्यानुष्ठान दावी। राज्य में उच्चशिक्षार दयनीय स्थिति, विश्वविद्यालय मिलू डिग्री हेले नियुक्ति नहीं, 5 शिक्षा वर्ष से उत्कल विश्वविद्यालय प्रति 100 जन मात्र 26 जन नियुक्ति, सीएजी रिपोर्ट रे सामना को आसला हतोत्साहित तथ्य। एवं उपकूल बंगोपसगर में घूर्णिबलय सृष्टि, 24 रे लघुचाप, 26 रु प्रबल वर्षा, आज राज्यर किछे स्थान रे मध्यम धरणर वर्षा अनुमान। गत 24 घंटे मयूरभंज जिले में सर्वाधिक 40.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड। आसिया संपूर्ण खबर को, अमेरिका रे प्रधानमंत्री मोदी को भव्य स्वागत, बहु संख्यक भारतीय त्रिरंगा देखाई मोदी को स्वागत करा जायछे। वाशिंगटन रो विमान बंदर रे सुनिबा को मिलिछि मोदी मोदी नारा, वर्षा रे भिजि भिजि मोदी को स्वागत करिछन्ते मोदी को फैन। प्रधानमंत्री मोदी मध्य हात हलाई एवं हात मिलाई खुशी व्यक्त करिछन्ते। अमेरिका रे गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी अंश ग्रहण करिबे। आज उपराष्ट्रपति कमला हरिस को सह बैठक रे जोगदेबे प्रधानमंत्री मोदी। आसंता काली राष्ट्रपति बाइडेन को सह द्विपाक्षिक आलोचना करिबे। आसंता काली हेबाकु थिबा मोदी बाइडेन साक्षात उपरे सारा विश्वर नजर अछि। राष्ट्रपति बाइडेन को समेत स्क्वाड सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को मध्य भेटिबे। It is very instrumental in bringing US-India ties much more stronger given the crisis, the COVID crisis and the uprising in Afghanistan, and only he is the leader who can solve the situations in the world, and we are proud that we are Indians and he's representing. And yet to see my beloved Prime Minister Mr. Modi, we are so excited, we don't mind staying in Oran. We are just excited to see him and welcome him. Modi ji, we love you, Modi ji. We love you. We love you. President of NCIA, we are here to welcome Modi ji with other community leaders, and we are going to cheer also his happy birthday. We are just waiting eagerly to arrive. So honored and proud to be here to welcome the Indian Prime Minister Narendra Modi ji. Cannot wait for stronger ties between the United States and India on the whole. As you know, we're going through this deadly pandemic right now, and Modi ji's arrival, I think, is going to usher in a lot of good things for India, so we can help with COVID. And welcome Modi ji, and we're waiting to see you. We are looking forward to him, his arrival and his speech at UN. We are looking at what he's going to talk about.
And he, since he had become Prime Minister, India had progressed last, and Indo-American relationship had improved, and that's what we want to continue. Thank you. In U.S., our Indian-American citizens are so elated, and he has increased our pride to say that we are Indian-Americans. So thank you for Modi ji's leadership and being an American. God bless America and God bless India. Thank you. ए बाबद्रे अधिक सूचना पाई आम सहित दिल्ली रिपोर्टर गगन विश्वाल जोड़े रही गगन आमेरिकार देखु जे किभली मोदी फैन रही मोदी को किभली भल पाइबा मिलूँ प्रशंसा मिलूँ से दृश्यता सामना किंतु जो आलोचना करा हो मुख्यतः क्यों प्रसंग रण आशा आशंका कर प्रतिक्रिया मध्ये शुणुले किभली भाव लोक मैंने आशा व्यक्त करछन्ति जो पैंडेमिक को लेकिन समस्त मनरे अनेक आशा आशंका रही तेणु ता भितर जिते प्रधानमंत्री से लैंड करछन्ति गोटे भव्य स्वागत करा लोक मानते आशा उज्जीवित हो भारत और आमेरिका मध्य जो संपर्क रही जो सुसंपर्क रही विगत दिन आहरी मजबूत करेंगे और प्रधानमंत्री पाखे से दक्षता रही भाव प्रधानमंत्री को जो फैन रही जो मैंने आशा करुले प्रधानमंत्री आसतु लेकिन दुईट तीन टी गस्त बातिल पेंडामिक जो बर्तमान प्रधानमंत्री जाइंट तेज निश्चित भाव समस्त मनरे अनेक गुड़े आशा संचार होती तेज निश्चित भाव आम जी आमेरिका गस्त को प्रधानमंत्री को आलोचना करवा तेज निश्चित भाव आज प्रथम दिन में मुख्यतः तीनो गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम रही सर्वप्रथमे प्रधानमंत्री किसी टप जो अफिशियाल सीओ रही विभिन्न बड़ बड़ कंपानी सीओ मान रही सहित अनेक प्रसंग आलोचना करेंगे वन टू वन आलोचना से सहित रही द्वितीय देखिए कमला हारिस सहित जो बैठक हे प्रधानमंत्री का अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कहीं कमला हारिस फ्यूचर में राष्ट्रपति दायित्व संभाली पारती तेणु सहित जो आलोचना हम तेज निश्चित भाव ये आलोचना अनेक गुरुत्वपूर्ण कर आमेरिका को लिड करेणु से भाव देखिए ऑस्ट्रेलिया जापान प्रधानमंत्री सहित प्रधानमंत्री वार्ड टू वन बैठक रही तेणु निश्चित भाव देखिए ऑस्ट्रेलिया जापान सहित जो बैठक होती जापान सहित आम अनेक बुझाण रही मेट्रो प्रोजेक्ट ठू अनेक गुड़े प्रोजेक्ट रे सीधा साल जापान रो इन्वेस्ट रही तेणु निश्चित भाव जापान सहित जो भारत संपर्क रही आहरी किभली भाव दृढ़ीभूत करपान किभली भाव इन्वेस्ट को जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रही किभली भाव विभिन्न क्षेत्र में आहरी इन्वेस्टमेंट को वृद्धि कर प्रधानमंत्री निश्चित भाव फोकस करेंगे किभली भाव ऑस्ट्रेलिया सहित देखिए चाइनार जो टसल चली इंडो पैसिफिक ओशियन रे तेणु निश्चित भाव से प्रसंग में ऑस्ट्रेलिया चाहिए जो भारत सरकार सहयोग करूँ तेणु ये प्रथम दिन गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम रही से भाव देखिए आसंता का जो कार्यक्रम रही सब गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम रही कहीं क्वाडा जो शिखर सम्मेलन बैठक रही आसंता का भाव बाइडेन सहित जो आलोचना निश्चित भाव बर्तमान जो सारा विश्व गोटे साइबर सिक्यूरीटी इश्यू रही तालिबान इश्यू रही इंडो पैसिफिक प्रॉब्लम रही किभली भाव देखिए बर्तमान तालिबान इश्यू को लेकिन बर्तमान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आम देखु भारत में आरंभ हो गला कोविड वैक्सीन जो मैंने अनुन्नत राष्ट्र रही किभली भाव जोगाई दीजिए जो भारत जो मैत्री स्कीम रही निश्चित भाव ताकू प्रधानमंत्री से आह्वान करेंगे जो अनेक जो फॉरेन राष्ट्र रही जो मान बड़का वैक्सीन रोचे से अन्य राष्ट्र को दिंतु तेणु भारत आमेरिकार जो दीर्घ दिन गोटे सुसंपर्क रही आंचलिक और ग्लोबल इश्यू ये दुईट को निश्चित भाव प्रधानमंत्री फोकस करेंगे तेणु क्यों क्यों आंचलिक इश्यू और ग्लोबल इश्यू में उभय नेता आलोचना करते हैं सारा गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना होवार जहां आशा आशंका करूँ एटी देखा मिली आमेरिकार जो दृश्य सामना को आसू मोदी किभली क्रेज रही मोदी किभली फैन रही से दृश्य सामना को आसू मोदी केते मात्रा रे लोके भल पाते जेहेतु से लोकप्रिय नेता तो कौटा कौटि ए दृश्य सामना को आसू प्रधानमंत्री मोदी को किभली प्रशंसा मिलूँ आमेरिका बहुत बहुत धन्यवाद गगन विश्वाल रिपोर्टर आम सहित जोड़ रही थे से परवर्ती खबर को महंत नरेन्द्र गिरी मृत्यु मामलें सीबीआई तदंत निर्देश देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश गृह विभाग पक्षर केन्द्र को सीबीआई जांच सुपारिश करा संदेहजनक परिस्थिति में अखड़ा परिषदर सभापति महंत नरेन्द्र गिरी मृत्यु घटनार पोस्टमार्टम दावी राजनैतिक दल तथा महंत मान द्वारा कर अन्यपटे पोस्टमार्टम सुरक्षा में समस्त पुलिस कर्मचारी को हटा जावा सह विभागीय तदंत निर्देश दिया जाए छे
कोविड वैश्विक शिखर सम्मेलनी को संबोधन करिछंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कहिछंति भारत सर्वदा मानवता को द्वितीय परिवार मानिछि एवं महामारी द्वितीय लहर समय रे सारा विश्व भारत को सहायतार हाथ बढ़ाइथिले एथिपाई समस्त को धन्यवाद। एहासह से कहिछंति कोविड महामारी एबे शेष होइनाही। दुनिया अधिकांश जनसंख्या एबे भी टीका नै नहंती। एथिपाई राष्ट्रपति बाइडेन को द्वारा आरंभ करा जायथिबा समय बैठकी पदक्षेप को स्वागत करुछु बोली कहिछंति प्रधानमंत्री। सेपटे एही वैश्विक मंच रु सबो देश परस्पर रो वैक्सीन सर्टिफिकेट को मान्यता प्रदान करबा को अपील करिछंति। एक्सलेंसीज, द कोविड 19 पेंडेमिक हैज बीन एन अनप्रेसिडेंटेड डिसरप्शन and it is not yet over. Much of the world is still to be vaccinated. That is why this initiative by President Biden is timely and welcome. Excellencies, India has always seen humanity as one family. India's pharmaceutical industry has produced cost-effective diagnostic kits, drugs, medical devices, and PPE kits. These are providing affordable options to many developing countries. कोविड रे मृतकों परिवार को मिलिबो क्षतिपूरण। कोरोना रे प्राण हरायथिबा लोकों परिवार को मिलिबो 50,000 टंका। एने केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को जणाइछते। राज्य सरकार सेमानक विपर्जय परिचालना पाठिरु एही टंका देबे। कोरोना रे प्राण हराउथिबा परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान नै पूर्वरु सुप्रीम कोर्ट निर्देश दैथिले। जून 30 रे एही परिमाण केते हेबो से संपर्क रे जातीय विपर्जय परिचालना कर्तृपक्ष को दायित्व दिया जायथिला। जून 30 रे देइथिबा निज निर्देश रे सुप्रीम कोर्ट कहिथिले देश रे कोरोना रे प्राण हराइथिबा लोकक परिवार को क्षतिपूरण मिलिबा दरकार। कोर्ट कहिथिले एपरि महामारी समय रे लोकक क्षतिपूरण देबा सरकार को दायित्व। निज घरे बंद रहिछंति चीन राष्ट्रपति जिनपिंग। सबुबले अंतर्जातीय स्तर रे चर्चा रे रहुथिबा जिनपिंग गत 600 दिन मध्यरे करिनहंती कोनसी यात्रा, जहाँ को नहीं अंतर्जातीय मीडिया रे जोर धरी छे चर्चा। एवं प्रश्न उठुछे कौन होइथाय परे कारण। निज घर भितरे बंद रहिछंती चीन रो राष्ट्रपति जिनपिंग गत 600 दिन मध्यरे करि नहंती कोनसी यात्रा, कौन होइथाय परे कारण। चीन रो राष्ट्रपति जिनपिंग वर्तमान गणमाध्यम शिरोनाम चलित वर्ष संपर्क चर्चा ताइवान हांगकांग को नहीं होना। दक्षिण चीन सागर बा प्रशांत महासागर रे चीन रो सक्रियता को नहीं मध्य होना। चलित थर संपर्क आलोचना स्वास्थ्य को नहीं हो स्वास्थ्यावस्था को नहीं विभिन्न प्रकार जोरदार चर्चा सोशल मीडिया रे हिउछि। केवल सोशल मीडिया रे नहि आंतरजातिक मीडिया रे मध्य एहाकु नै चर्चा हिउछि। एहि चर्चा अनयास हेउ नहि। एहा पछुरि एक बड़ कारण हिला जे जिनपिंग गत 600 दिन मध्य रे कोनसी विदेश यात्रा करि नहंती। सबुबले आंतरजातिक परिदृश्य रे सक्रिय थिबा जिनपिंग गत 600 दिन मध्य रे कोनसी विदेश गस्त रे न जिबा एक आलोचना को खोराक जगाई। शेष थर पर से 2020 मसीहा जनवरी 8 तारीख दिन म्यांमार गस्तरे जाइथिले। तांकर स्वास्थ्य ठीक नथिबा कारणरु से विदेश गस्तरे जाउ नथिबा नै मध्य अनेक रिपोर्ट रे कुहा जाउछि। ए संपर्क रे विशेषज्ञ मानकर कहिबा कथा जी चीन रे कम्युनिस्ट शासन रहिछि। सेठारे लोकमानक द्वारा निर्वाचित होइथिबा गणतांत्रिक सरकार नहीं। कम्युनिस्ट शासन रे राष्ट्रपति साधारण जनता प्रति उत्तरदायी होइ न थांती। कम्युनिस्ट शासन रे
କେହି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠାରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ଏହାର ଓଲଟା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସିଧା ସିଧା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥାଏ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ସଂସଦ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିନପିଙ୍ଗ 600 ଦିନ ଧରି କୌଣସି ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ନେତାଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ବି ହୋଇପାରେ। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ସତ ହୋଇପାରେ ସତ ନ ହୋଇପାରେ, କାରଣ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏପରି ସ୍ଥିତିକୁ ଅସହଜ ସ୍ଥିତି ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଦୃଶ୍ୟରେ ଏପରି ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି ଯେ ଜିନପିଙ୍ଗ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ନେତା ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭେଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ସେ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସେ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକମାନଙ୍କରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିନପିଙ୍ଗ 12ରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବୈଠକରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶର ବଡ଼ କୂଟନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୈଠକକୁ ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। 2019 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଇଟାଲୀ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତ କାଳରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଥରିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମେକ୍ରୋଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ବସିବା ସମୟରେ ଚେୟାରକୁ ଧରି ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶ ସାରା ଦେଖାଦେଇଛି ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାୟପୁରର ମେୟର ଏଜାଜ ଧେବରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହନରେ ବୁହା ହେଲେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରର ଘଟଣା, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଗଲା ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ହେଉଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରର। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ରାୟପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନେଉଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଆଯାଉଛି। ତାପରେ କିପରି ଭାବେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଫିଙ୍ଗାଯାଇ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଉଛି, ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି ଓ ରାୟପୁରର ମେୟର ଏଜାଜ ଦେବରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲୋକମାନେ ତାତିଛନ୍ତି। ରାୟପୁର ସହରରେ 10 ଦିନ ଧରି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂଜା ସରିବା ପରେ କିପରି ଭାବେ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ନିୟମ ମାନି ବିସର୍ଜନ କେଉଁଠାରେ ଓ କିପରି ଭାବେ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଓ କେବଳ ଦିନରେ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ହଠାତ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନେଉଥିବା ବାହନରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖି ନେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଖାପାଖି 10 ଫୁଟ ଦୂରରୁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ରାୟପୁର ଜନସାଧାରଣ ତାତି ଯାଇଥିଲେ ଓ ମେୟର ଏଜାଜ ଦେବରଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ କହିବାର ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ 10 ଦିନ ଧରି ଗଣେଶ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ବିସର୍ଜନ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା।
जदि रायपुर महानगर निगम एहि काम करबा पई असमर्थ थिला तेबे ताकु एहि काम निज हाथ को नेबा उचित नथिला। लोक माने महानगर निगम रो कथा को विश्वास करी सेमानो को विसर्जन पई मूर्ति प्रदान करथिले। हेले महानगर निगम मूर्ति गुडीक स एपरि व्यवहार करी लोक मानकर भावना सह खेल खेलिछि। एपरी काम हाथ को नहीं गणेश मूर्ति को असम्मान करिबा महानगर निगम पक्ष ठीक होना। डॉक्टर समन्वय नंदों इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। राज्य सरकार को नियंत्रणाधीन उद्योग गुड़िकर सठिक परिचालना लागि 1991 जनवरी में गठन होता साधारण उद्योग विभाग एवं बुड़ाक बसला। 9 उद्योग में 1500 कोटी रु ऊर्ध टंकार क्षति। सेपटे नियम बाहर को जाई विलासपूर्ण जीवन बिताऊ विभाग बड़ बाबू। स्थान पलटि सरकार साधारण उद्योग विभाग 9 उद्योग में 1500 कोटी रु ऊर्ध टंकार क्षति। नियम बाहर को जाई विलासपूर्ण जीवन बिताऊ विभागीय बड़बाबू। राज्य सरकार नियंत्रणाधीन उद्योगगुड़िक सठिक परिचालना लगी 1991 जनवरी गठन होता साधारण उद्योग विभाग। आउ एबे ए विभाग मनोमुखी और विजनलेस कार्यकलाप जो बुड़ाक बसला प्राय 10 ऊर्ध विभाग। राज्य सरकार विधानसभा रखि तथ्य और विभाग मिलता तथ्य अनुजाई गत 7 वर्ष मध्य 9 उद्योग में 1733 कोटी टंकार क्षति होती। ग्रिडको लिमिटेड 1352 कोटी टंका क्षति में चलुवा बेले ओडिशा ग्राम्य गृह निर्माण और उन्नयन निगम 39 कोटी टंका क्षति में चलुछि। सेहीपरी इडको फेरो एंड एलेज लिमिटेड 22 कोटी, ओडिशा मत्स्यचाष उन्नयन निगम 20 कोटी, ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम 67 लक्ष, ओडिशा राज्य अर्थ निगम 2 कोटी, ओडिशा शक्ति संचरण निगम 144 कोटी, ओडिशा कोयला और शक्ति लिमिटेड 1 कोटी एवं ओडिशा शक्ति उत्पादन निगम 188 कोटी क्षति में चली। जहाँ सरकार शिल्प परिचालना और निजुक्ति सुजोग सृष्टि बर्षि विरोधी। आज ओडिशा दुर्भाग्य जे सरकार एटी राज्य लोक मान किभली कर्मसंस्थान जोगाई देव ओडिशार श्रमिक मान श्रम को लेकर राज्य किभली प्रगति कर से दिगरे सरकार टिके भी चिंता ना। नवीन बाबू सब स्टाइल सब कार्य लोक प्रतारित करवा एवं निज काम जो अपारगता को लुचेवा भोट अपणवा। सेपटे सरकारी नियम बाहर को जाई साधारण उद्योग विभाग परामर्शदाता माने बिताऊ विलासपूर्ण जीवन। सरकारी अर्थ में बड़ बड़ गाड़ी चढ़ा सह अफिस् परिचालना किसी लोक रखी राजकोषर ने पुला पुला टंका। सरकार दस्तावेज कह अर्थ विभाग निर्देशनामा रही जदि कौन विभाग स्वतंत्र परामर्शदाता निजुक्ति कै तेज अति बेसी से 42,000 टंका पर्यंत दरमा नहीं पारे। मात्र एठार परामर्शदाता 70,000-72,000 टंकार दरमा और विलासपूर्ण गाड़ी सांग को आनुषंगिक सुविधा पाउछंती। जार उदाहरण होची अतिरिक्त शासन सचिव भाव अवसर नेबार दिनक परे ओएसआईएफएस सोसाइटर निर्वाही निर्देशक भाव दायित्व नीतिबा प्रभात लिंका 72,000 टंका दरमा सांग को अन्य आनुषंगिक सुविधा सुजोग नेउछंती प्रभात। हेले बिजेडी कहची सरकार सबुथिरे सचेतन अछंती। राज्य सरकार सब प्रकार उद्यम रे अछंती एई परिस्थिति को मुकाबला करिया परबो। राज्य सरकार गुटिए परे गुटिए आ भितरे आपण चिंता करजिन कोरोना रे लास्ट इयर 12,000 कोटी टंका विनियोग करि पाला ए 12,000 कोटी टंका विनियोग करि पाला कोरोना भितरे। ओडिशा सरकार जीविका सहित पूरा घनिष्ठ भाव में निजुक्ति जीविका एवं कर्मसंस्थान प्रति गोटे अग्राधिकार भितर चल। एटारे प्रश्न उद्योग परिचालना दायित्व अधिकारी माने जदि एपरी कार्य करिवे तबे केमिति लाभरे चलिबो सेही संस्था एथिप्रति सरकारक दृष्टि अछि ना नाही। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन बेहरा दिव्यज्योति महंती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। उपकूल बंगोपसगर पुणि एक घूर्णिवलय सृष्टि होइछे। एहा उत्तर पश्चिम दिगरे गति करि 24 तारीख बेलकु उत्तर पूर्व एवं संलग्न बंगोपसगर अंचल रे पहुंचे 24 तारीख संध्या सुधा लघुचाप रे परिणत हेब। परवर्ती 48 घंटा अर्थात 24 तारीख राति बेलकु एहा ओडिशा उपकूल रे पहुंचि पार संभावना रहिछे। प्रभाव रे 25 तारीख ठारु ओडिशा रे वर्षार परिमाण पुणि थरे वृद्धि पाइब। 26 तारीख रे राज्य रे अर्धाधिक जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबा नै आंचलिक पाणिपाग केन्द्र पक्षरु पूर्वानुमान करा जाइछे। समय सरी बुलेटिन को ये रखुचु। नमस्कार।